ऐसी ये दुनिया क्यों है। हेलो यूसुफ भाई, सलाम अलैकुम। जी हाँ, शादी का दावतनामा मिल गया, ज़रूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे भला। कमाल है, आपकी बेटी हमारी भांजी हुई, उसकी शादी में हम भला क्यों नहीं आएंगे। नहीं नहीं यूसुफ भाई, मसरूफियत अपनी जगह है, लेकिन रिश्तेदारी का भी तो हम पर कुछ हक है। जी हाँ, वो है यहाँ पर, ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे थे, कह दूंगी उनसे। जी जी खुदा हाफिज। किसका फोन था? यूसुफ भाई का, सलाम कह रहे। वालेकुम अस्सलाम। अब जरा जल्दी से नाश्ता करवाइए, देर हो रही। इसरार कर रहे थे हम जरूर शिरकत करें। भाई जाना तो होगा ही, उनका मकान है ही कितना दूर, थाने में है, चले जाएंगे। हीना दिखाई नहीं दे रही, आज जल्दी ऑफिस चली गई। अच्छा मैं देखती हूँ। हेलो। हेलो। ओह अमृत भाई। नमस्ते भाभी। मिर्जा है, मुझे उनसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ जरूर, लीजिए बात कीजिए। कहो भाई अमृत, जाने मान कैसे याद किया हमें दोस्त? क्या बताऊं यार मिर्जा, बहुत टेंशन हो रही है यार। मिर्जा मैं फेल हो गया यार। किस बारे में? वो मेरी सिंडिकेट के बाकी मेंबर्स ने अकरम के प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने से मना कर दिया है। आज तक मेरे हर फैसले को उन्होंने आंख बंद करके कबूल किया है, लेकिन इस बार वो मना कर रहे हैं। ये क्या कह रहे हो तुम? वो कह रहे हैं कि अकरम एक नया और ना तजुर्बेकार लड़का है, और उसके साथ इतना बड़ा रिस्क लेना उन्हें गवारा नहीं है। ये ठीक नहीं हुआ अमृत। तुम्हें पहले से उनके साथ सलाह मशवरा कर लेना चाहिए था। अब हीना और अक्रम को तुमने सुनहरे ख्वाब क्यों दिखाए यार? मुझे बहुत अफसोस हो रहा है मिर्जा, लेकिन अब तुम्हारे अफसोस करने से उनके दिल टूटने से तो नहीं बच जाएंगे ना। अमृत तुमने जल्दबाजी दिखाकर ठीक नहीं किया। मिर्जा सच्चाई तो यह है कि देखते हैं क्या होता है। क्या हुआ अमृत भाई, से आप क्या बात कर रहे थे? हीना और अकरम के प्रोजेक्ट को लेकर क्या बातें हो रही थी? कहिए भी भाई। अमृत के सिंडिकेट वालों ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। यानी हीना और अकरम के होटल का प्रोजेक्ट खत्म? हाँ बेगम। अमृत भाई तो कह रहे थे कि वो अपने सिंडिकेट को मना लेंगे, बल्कि वो तो ये भी कह रहे थे कि आज तक उनके सिंडिकेट ने उनके हर एक फैसले को आंख बंद करके माना है। तो फिर इस बार इस फैसले को क्यों रद्द कर दिया? के सिंडिकेट वाले अकरम के साथ किसी प्रोजेक्ट में पैसा नहीं फंसाना चाहते। लेकिन अकरम कोई खैरात तो नहीं मांग रहा, पार्टनरशिप की है, अपनी जमीन उनके नजर की है, और क्या चाहते हैं वो? उन्हें अकरम से कोई ज्यादा तजुर्बेकार आदमी चाहिए बेटा। उनकी नजर में अकरम इस प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल कोरा है। ये बात अमृत भाई को पहले नहीं सूझी? बेगम इसकी वजाहत की है अमृत ने। कैसी वजाहत? जो हमारे वहमो गुमान में भी ना आया वो कदम उठाना चाहा अमृत ने, और
आपको भी खबर नहीं की और मुझे भी नहीं बताया। क्या खबर नहीं की, क्या नहीं बताया? बेगम, हम हिना के वालदैन जरूर हैं, लेकिन हिना का मुस्तकबिल संवारने का काम अमृत करना चाहता था। उसे अकरम में कुछ अच्छी बातें नजर आई और हमारी बेटी के लिए नेक इरादे के तहत वो चाहता था कि वो एक दूसरे के करीब आ जाएं। तो क्या होटल की तामीर का सिलसिला महज एक बहाना था? हाँ बेगम, अब जो उसने किया वो ठीक था या गलत ये मैं नहीं जानता, आपका क्या ख्याल है? ठीक तो नहीं किया, लेकिन वैसे अकरम कोई बुरा लड़का नहीं है। बेगम, आप जल्दबाजी में कोई फैसला मत कीजिए। किसी भी नतीजे पे पहुंचने से पहले आप ये पता कर लीजिए कि लड़के के दिल में हिना के लिए प्यार और इज्जत जरूर होनी चाहिए। हमारी बेटी एक बार तो धोखा खा चुकी है, अब दूसरी बार मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा बेगम। गुड मॉर्निंग अकरम साहब। गुड मॉर्निंग सक्सेना साहब, आइए तशरीफ रखिए। दो कॉफी जल्दी। और सुनाइए। मैंने आपके प्लॉट का सर्वे किया और उस लोकेलिटी को देखने के बाद मैंने ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की है, उसी को लेकर मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाह रहा था। सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। इस प्रोजेक्ट को लेकर आप कितने जज्बाती हैं? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अकरम साहब, इसलिए नहीं कि मैं इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ गया हूँ, बल्कि इसलिए कि अब आपके सपने को साकार करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। यही मैं सुनना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि जिसके हाथ में यह ठेका हो वो महज अपनी ड्यूटी समझ कर उसका निभाए। पर्सनल इंटरेस्ट बहुत जरूरी है और वो बात मैं आप में देख रहा हूँ। अब आगे डिस्कस करते हैं। थैंक यू। सक्सेना साहब, मैं प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए बेताब हूँ। ओके, ठीक है अकरम साहब, प्रोजेक्ट की डिटेल्स कुछ इस तरह से हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटी। वालेकुम अस्सलाम अबू। क्या बात है, आप बहुत परेशान लग रहे हैं, सब खैरियत तो है ना? बेटी वो क्या है कि तुम पहले बात कर लो। जी। हेलो। हेलो हीना, अकरम बोल रहा हूँ। हाँ बोलो अकरम। हीना, मैंने मिस्टर सक्सेना से कंस्ट्रक्शन के मुतालिक सारी बातें समझ ली हैं। उन्हें कुछ एडवांस चाहिए था तो मैंने उन्हें 10 लाख का चेक भी इशू कर दिया। अपने अकाउंट से? हाँ, क्या फर्क पड़ता है? अमृत अंकल के फंड्स के आने का इंतजार तो किया होता। हीना, अपने प्रोजेक्ट के लिए मैं किसी तरह का इंतजार नहीं कर सकता, आगे एडजस्ट कर लेंगे। अब ये बताओ कि शुरुआत कब से करें? मेरे ख्याल से जुम्मे का दिन मुनासिब होगा, नमाज के बाद ही बिस्मिल्लाह कर देते हैं। एग्जैक्टली, मैं भी यही सोच रहा था। अच्छा, आप जो सक्सेना साहब से डिस्कस किया है तुम उससे मिलो तो मैं तुम्हें बता दूं। ठीक है, तो हम वक्त तय कर लेंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अकरम ने अपने अकाउंट से कॉन्ट्रैक्टर को पोस्ट डेटेड चेक दे दी है। क्या बेटी, इतनी भी क्या जल्दी थी? अकरम बड़ा ही जुनूनी है अब्बू, वो ताखीर कर ही नहीं सकता, सब्र ही नहीं है उसमें। लेकिन बेटी वो अब्बू, कोई गड़बड़ है? हाँ बेटी, अमृत का फोन आया था, वो कह रहा था कि उसके सिंडिकेट के मेंबर्स मुत्तफिक नहीं अकरम से।
क्या? हाँ बेटी, उसने कुछ दिन की मोहलत मांगी है, कह रहा था कि अपने बलबूते पर फाइनेंस का बंदोबस्त करे। नमीरा, अगर एक मिनट भी देर से आती तो मैं निकल गया होता। तुम तो वैसे भी बहुत आगे निकल चुके हो समीर, इतना आगे कि तुम उस घर की तरफ नहीं देख सकते जिस पर आज ताला लगा हुआ है। क्यों? वहां तुम भी तो रहती हो और फिर अम्मी और खाला जान भी तो है। जहां तक मेरा सवाल है तो मैं तुम्हारी तरह गैर जिम्मेदार नहीं हूं समीर। मैं अपने घर जा बसी हूं, और रही अम्मी और खाला की बात तो अम्मी खाला के साथ उनके घर गई हैं। क्या ये सब इतनी अचानक और किसी ने मुझे बताया तक नहीं? जो औलाद अपने माँ बाप से मुंह फेर ले उस औलाद के मुंह से शिकायत अच्छी नहीं लगती समीर। शिकायत करने का हक मुझे है मुझे शिकायत करने का हक, वो इसलिए क्योंकि आज तक उस घर में किसी ने मुझे समझा ही नहीं। मैं तुम्हारी बेकार की बातें सुनने नहीं आई हूँ यहाँ। मैं तुम्हें सिर्फ इस बात का एहसास दिलाने आई हूँ समीर कि आज तुम्हारी वजह से उस घर को ताला लग गया है, और अगर अकरम का एहसान नहीं होता तो अब्बू के ना होने से शायद ऑफिस को भी ताला लग जाता। देखो नमीरा, पहले भी तुमने मुझे अकरम का वास्ता देकर नीचा दिखाने की कोशिश की है, और आज फिर करूंगी, क्योंकि उस घर की औलाद ना होते हुए भी अकरम ने बहुत कुछ किया है उस घर के लिए, और दिन रात मेहनत करके अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। और जिस हीना को तुमने अपनी जिंदगी से निकाल बाहर किया है उसी हीना की जिंदगी को एक मकसद देने की कोशिश भी कर रहा है, और हीना उसकी मदद से ये साबित करके दिखाएगी समीर कि वो तुमसे कहीं आगे जा सकती है, और तुम सिवाय रूबी के इर्द गिर्द चक्कर लगाने के और कर ही कह सकते हो। अब भी वक्त है समीर, लौट चलो घर, या फिर चुल्लू भर पानी में डूब मरो। एक्सक्यूज मी, आपने मुझे बुलाया सर? हाँ, फ्राइडे से हमारा प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है, तुम उसकी डेली रिपोर्ट मुझे दोगे? ओके। ओ राइट सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ ही ना, बैठो। अकरम, एक बहुत बुरी खबर है। क्या? अमृत अंकल के सिंडिकेट ने हमारी होटल प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया। What? उनका फोन आया था। इसका मतलब हमारा प्रोजेक्ट? उसे थोड़ा डिले करना पड़ेगा। अमृत अंकल ने यकीन दिलाया है कि वो खुद फाइनेंस अरेंज कर देंगे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो एडवांस चेक भी इशू कर दिया है। समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है। मेरे प्रोजेक्ट के साथ ऐसा क्यों होता है, जब भी मैं उसे शुरू करना चाहता हूँ कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। नियत में अगर खोट हो तो ऐसा ही होता है। समीर, तुम ऐसा कह रहे हो? हाँ, क्योंकि आज मैं तेरी असलियत जान चुका हूं, तेरे इरादों को भांप गया हूं। जानते हो क्या कह रहे हो तुम? जानता हूं, और यह भी जानता हूं कि किसके सामने कह रहा हूं। पहले तो मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन आज जब अपनी आंखों से देखा तो तेरा असली रूप सामने आ गया। तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है समीर। क्यों? हकीकत का सामना करने की हिम्मत नहीं है तो मुझे गलत ठहराने की कोशिश कर रहा है? कितना बुजदिल है तू अकरम, तू सच्चाई से डर रहा है। अपनी जबान को लगाम दो समीर। पहले तू अपनी हरकतों को लगाम दे। क्या किया है मैंने? हा? अच्छा, अब यह भी मुझे ही बताना पड़ेगा, तो सुन। अपने ड्रीम प्रोजेक्ट की आड़ में
तूने उन लोगों के साथ हाथ मिलाया है जिन्होंने मेरे अब्बू को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं इतना गया गुजरा नहीं हूं जो इतनी गिरी हुई हरकत करूंगा समीर। चलो मान लिया कि तूने ये सब सिर्फ अपने प्रोजेक्ट के लिए किया, मगर अपने जरा से फायदे के लिए तू हमारी दोस्ती को भूल गया। हमारे खानदान के दुश्मनों के साथ हाथ मिलाकर ये रिश्ता निभा रहा है तू मेरे साथ? ये सरासर इल्जाम है मुझ पे। लेकिन अफसोस की बात तो यह है समीर कि तू आज तक समझा ही नहीं मुझे। जो अपनी बीवी को ना समझा वो भला दोस्ती को क्या समझेगा? जिसे मैंने अपनी बीवी कभी समझा ही नहीं उसे समझने का सवाल ही पैदा नहीं होता। रही बात हमारी दोस्ती की, तो इस दोस्ती पर मुझे घमंड था, नाज था। चलो आज वो भी टूट गया। तू ये कहना चाहता है कि हमारी दोस्ती टूट गई आज? हाय गाइस, मैं तो यहाँ अकरम से मिलने आई थी, मुझे क्या मालूम यहाँ कोई खिचड़ी पक रही है। क्यों आई हो तुम यहाँ? हाँ तो अकरम, समीर के सिफारिश पे मैंने कभी तुम्हारा लोन सैंक्शन करवाया था, वो मटेरियलाइज ना होने की वजह से आज ऑफिस में मेरी पोजीशन पे बहुत बुरा असर पड़ा है। तो मैं क्या करूँ? हाँ, मेरे हिसाब से तुम्हें अपना इरादा बदल लेना चाहिए और तुम जब चाहो आकर अपना ड्राफ्ट कलेक्ट कर लो। अगर तुम चाहते हो तो मैं खुद आकर तुम्हें तुम्हारा ड्राफ्ट दे सकती हूँ। रूबी, अकरम की सिफारिश मैंने की थी ना, तो मैं ही अपनी सिफारिश वापस लेता हूँ। बस बहुत सुन लिया मैंने। रूबी, इनसे कह दो कि बिजनेस अश्योरेंस कोई निकाह नहीं होता, कि जब चाहा तोड़ दिया। तुम भी कह दो रूबी, ये रिश्ते निभाए जाते हैं और बिजनेस किया जाता है। मम्मी, मैं यहां बिजनेस के लिए आई हूं और ये मेरे कंपनी के लिए बहुत प्रेस्टीजियस मैटर है। तुमने अपनी सिफारिश वापस ले ली तो क्या हुआ? ये मेरे एमडी का ऑर्डर है। अकरम, मैं तुम्हारा जवाब ना मैं नहीं सुनना चाहती। रूबी, मुझे अफसोस है, मेरा जवाब हाँ मैं नहीं हो सकता। मैं नहीं समझती कि अगर तुमने मेरा ऑफर कबूल कर लिया तो किसी का नुकसान होगा। कुछ बातें फायदे नुकसान से भी ऊपर होती है रूबी। अकरम, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? मैं तुम्हें लोन नहीं दे रही, ओमेगा फाइनेंस कंपनी तुम्हें लोन दे रही है। रूबी, क्यों क्यों तुम बार बार इससे रिक्वेस्ट कर रही हो? क्यों गिरा रही हो अपने आप को इतना? समीर प्लीज, मैं अपने बिजनेस में किसी की इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये तुम कह रही हो, वो भी मुझसे? समीर, अभी तो तुमने कहा था कि रिश्ते निभाए जाते हैं और बिजनेस किया जाता है, तो मैं यहां बिजनेस कर रही हूं। लेकिन मैं बिजनेस के लिए रिश्तों को दांव पे नहीं लगाता रूबी, तुम गलत जगह आई हो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.